हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज मेरा बायोमेट्रिक्स था। पिछले मैंने भी 25 नवंबर को ही मेरा बायोमेट्रिक्स बुक कराया था और मुझे आई थिंक 7 को मैसेज आया, नहीं या हाँ 5 को मैसेज आया कि मेरा बायोमेट्रिक्स 8 डेट को है। दोपहर को एक SMS आया, फिर मैंने अपना मेल खोला तो उसमें भी आया। और फिर मैंने मेरे थोड़े दोस्त से बात की जिन्होंने भी 25th को अपना वेब फॉर्म भरा था, तो उन्हें उनको भी आने लगा। अगर आपने 25th को भरा है और अब तक नहीं आया तो आप चिंता मत करिए, आपको 110% आएगा क्योंकि सबको आ रहा है। और मेरा VFS अहमदाबाद था, तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मैं VFS अहमदाबाद को, मेरा 8:45 का टाइम था सुबह का। और मैं आपको हम्बली बता देता हूँ कि जितने भी अदर वीडियोज़ हैं उसमें लोग कहते हैं कि आप जल्दी जाओगे तो आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ भी सेंस नहीं। क्योंकि मैं आज गया था, मुझे पता है उधर कितना रश था, सभी बच्चों को अपना एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया था, उसी टाइम में वो उनको लेते थे। मैं करीब 8 बजे पहुंच गया था। और मैं आपको प्रीफर ज़रूर करूंगा कि आप 30 मिनट्स जल्दी जाए, क्योंकि जल्दी पहुंचना आपके लिए सेफ है, लेकिन लेट मत करिए, ठीक है? आपको फिर वो आप जाएंगे उधर तो बाहर सिक्योरिटी वही करेगा कि आप जो आपका जो टाइम है वो उस टाइम पर आइए, क्योंकि सुबह आपसे भी पहले बहुत लोग होंगे, ठीक है? तो आपको वो कहेंगे कि आप सामने जाके सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े रहिए, और ठंडी में खड़े रहना मतलब पता ही है आपको। मैं खड़ा रहा। फिर जब 8:30, 8:35 को उन्होंने स्पीकर में बोला कि 8:45 वाले जो भी बच्चे वो इधर लाइन में खड़े हो जाए। फिर मैं लाइन में ऊपर गया, तो ऊपर मुझे जब मैं अगर आपको मैं पहले बता दूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। पहला के पहला VFS कंसेंट फॉर्म, VFS अहमदाबाद में नहीं जरूर है, अगर आप अहमदाबाद है तो आप मत ले जाए, कोई भी जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि मैंने उधर ऑफिसर को पूछा, उन्होंने कहा हम नहीं लेते। दूसरी बात, आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर, आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, ठीक है? ये 3 चीज़ें आपको ले जानी ही उधर जब आप बायोमेट्रिक्स करवाने जाए तभी। और अब मैं जब एंटर हुआ तो उन्होंने मुझे VIP लॉन्च, जो VFS की सर्विस है, उसके बारे में बताया। आपको मैं समझाता हूँ क्या है VFS की ये जो प्रीमियम लॉन्च है, उसमें कुछ होता नहीं है। आपको 3,050 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने का होता है। अगर आप 3,050 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेंगे उधर ही आपको पे करने का कैश, ये भी बहुत मैंने ऑप्ट तो कर दी क्योंकि मैं उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा, लेकिन फिर मेरे वो तो मेरा लक था कि मेरे फादर के पास कैश थे, आई कैन मैनेज। बट अगर आप ये लेना चाहते हो तो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास 3,050 कैश हो। और क्या हुआ कि इससे क्या होता है कि VIP लॉन्च की बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे कि आप जाओगे तो आपको पहले रो में नहीं बैठना पड़ेगा, चलो ये तो एक सर्विस ही है। लेकिन दूसरी सर्विस क्या है, उधर आप जाओगे तो आपको एक फॉर्म देंगे अगर VIP लॉन्च है तो, और वो रिसिप्ट आपने जो पैसे पे किए उसकी रिसिप्ट देंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आपको कब यूज़ होगी, जब आप पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट जब आपको आएगी तब। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कितने फ्रेंड्स हैं और हमारी कम्युनिटी के कितने लोग हैं जिनको पासपोर्ट सबमिट रिक्वेस्ट आ जाती है, लेकिन उनको क्या कहते हैं कि वो पेमेंट करने की लिंक नहीं आती है, तो ये इश्यू होता है। अगर आप 2-वे कुरियर सर्विस ऑफ करते हो तो 1,800 रुपीज़ तो होंगे ही, तो उससे थोड़े ज़्यादा आई थिंक सो टू था वन था या उससे 1,300 ज़्यादा होंगे, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा होगा ही। क्योंकि मुझे लगता है मेरा जेन्युइन इंटेक है, चलो मैं 1,300 ज़्यादा दे दूंगा तो क्या होगा कि जब भी मेरी पासपोर्ट सबमिट रिक्वेस्ट आएगी तभी मुझे सिर्फ उनको एक मेल करना होगा, पासपोर्ट सबमिशन एंडर VFS, वो जो मेल है कि उस पर आपको जो सब्जेक्ट है उसमें लिखना है पासपोर्ट सबमिशन VFS प्रीमियम लॉन्च, और उसमें आपको अपना वो जो PPR की रिक्वेस्ट आई है वो, ये जो आपकी रिसिप्ट वो आपको देंगे। और जब आप डीमार्ट में कुछ भी बाय करने जाते हैं तो कितनी लंबी देते हो, उतनी लंबी आपको वो रिसिप्ट देंगे, वो आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। और उस साथ ही साथ आपको एक फॉर्म जिसमें आपका पिकअप एड्रेस, नेम एंड डेट ऑफ स्टाफ लिखा हो तो आपको वो मेल करना है। तो क्या होगा कि इसके बाद की जो प्रोसेस है वो आपकी फास्ट होगी, वो मुझे ऐसे बता रहे थे। क्योंकि मुझे मैंने कई यूट्यूब वीडियोज़ देखे, उनमें वो लोग कह रहे कि सिर्फ आपको लॉन्च मिलेगा, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो बिजनेस लॉन्च होता है या वही मिलेगा कि आपको पानी मिलेंगे, रिडीम को मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा फायदा है। आई फॉर्मली बिलीव कि ये 3,050 को जस्टिस नहीं करते, लेकिन एज फॉर माई ओपिनियन आई थिंक सो कि मुझे 1,800 तो देनी है, ज़्यादा मैं 1,300 रुपीज़ दे दूंगा, तो आई थिंक सो कि वो मेरे लिए, चलो मैं दे देता हूँ क्योंकि मुझे यार सर्विस चाहिए। अभी मैं
क्योंकि मेरा जैन इंटेक है और मैं आई थिंक सो मुझे मेरे लिए 1300 कुछ भी मैटर नहीं करता अगर मैं 15 लाख पे कर सकता हूँ, मैं मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि मुझे ये इंटेक सेव करना, इसके लिए मैं 2 दिन भी मेरा, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया जबकि अभी पासपोर्ट सबमिट रिक्वेस्ट आएगी तब 2 दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैं आपको एक पेमेंट लिंक आने में, 4 लिंक आएगी आप पेमेंट करोगे तभी आप ब्लू डार्ट के आपको एक AWB नंबर आएगा और ब्लू डार्ट का बंदा आएगा आपके घर पे। सो ये शायद प्रोसेस आपकी फास्ट हो सकती है, वो मुझे ऐसे कह रहे हैं। मुझे पता भी नहीं क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं आपको जस्ट मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो के द्वारा। ओके गाइस, सो मैं एक बात भूल गया था आपको बताना, ये जो VIP लाउंज है उसमें आपको 500 रुपीज़ बाद में पे करने का होता है। सो पूरी वीडियो में पहले मैं जितनी भी 1300 बोला उसकी जगह 500 उसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि टोटल इसका कॉस्ट है 3550, वो मैं मेरे दिमाग से के बाहर ही निकल गया क्योंकि वो जब आपकी पासपोर्ट आपको वो डिलीवर करने आएंगे ना तभी आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे वो ब्लू डार्ट के बंदे को, ठीक है। सो ये कंसिडर कीजिए, और अगर आपको ये पूरी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी, और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही मेरी मेरा पासपोर्ट आएगा स्टैम्प होके तो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। तो आपको एक वीडियो शेयर करना, सो लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट बिलो योर थॉट्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़।